हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आप सबको बताऊंगा कि कैसे आप कंप्यूटर पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके तीन आसान तरीके हैं। पहला, विंडो प्लस प्रिंट स्क्रीन दबाएंगे, जो कीबोर्ड में जो बटन होता है विंडो का उसको, और प्रिंट स्क्रीन भी होता है कीबोर्ड में ही, उसको दबाना है। दोनों को एक साथ दबाएंगे तो फिर स्क्रीनशॉट हो जाएगा। और ये स्क्रीनशॉट आपको देखने के लिए आपको सिंपली यहाँ माई कंप्यूटर पर जाना है, और माई कंप्यूटर पर जा करके पिक्चर को खोलना है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, माई कंप्यूटर को ओपन किए, उसके बाद फिर ये पिक्चर जो है इसको ओपन करना है। पिक्चर ओपन करने के बाद जो स्क्रीनशॉट का यहाँ पर बन गया है फाइल, इसको ओपन करना है, और जो भी स्क्रीनशॉट है वो ओपन हो जाएगा। इसमें आप देख रहे हैं ये ओपन हो गया। ये पहला तरीका है। उसके बाद फिर दूसरा तरीका है कि प्रिंट स्क्रीन और को ही दबाना है, और दूसरा बटन को नहीं। प्रिंट स्क्रीन दबाने के बाद कोई भी ओपन कर सकते हैं सॉफ्टवेयर, जैसे कि MS पेंट है, MS वर्ड है, तो यहाँ उसको दबाने के बाद MS पेंट खोली, और MS पेंट खोलने के बाद कंट्रोल प्लस भी दबाना है पेस्ट करने के लिए। कंट्रोल भी से पेस्ट करेंगे तो वहाँ पर भी आपका जो स्क्रीनशॉट है वो आ जाएगा। और उसके बाद तीसरा तरीका है स्निपिंग टूल से। आप स्निपिंग टूल इसमें इनबिल्ट होता है, इसको आप यहाँ स्टार्ट बटन पर जा करके ओपन करेंगे तो यहाँ स्निपिंग टूल आपको मिल जाएगा। उससे आप इसको जितना एरिया सेलेक्ट करेंगे उतना एरिया का स्क्रीनशॉट हो जाएगा। तो ये तीन तरीका है। तीनों तरीके कैसा लगा आपको, आप वीडियो में ज़रूर बताएं कमेंट करके। थैंक यू।